हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम DSSB, TGT, PGT तथा KBS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ। दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन जो है वो बसौली शैली में हुआ। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर जो हैं दोस्तों, वो कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी। तो दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक चित्रकार ने रखी थी, वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। प्रणय दूत चित्र चित्रित है दोस्तों, प्रणय दूत जो चित्र है वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित थी। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ। दोस्तों, अमृता शेरगिल का जन्म जो है 1913 में हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट, इंझा कृति किसकी है। इंझा कृति जो है DP धुलिया की है। नेक्स्ट, अमृता कला वीथिका किस शहर में है। अमृता कला वीथिका दोस्तों गोरखपुर में है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है। रेखावली ग्रंथ जो है वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। दोस्तों, अकबर के द्वारा तैयार की गई जो बाबरनामा की एक प्रति जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। वो कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकार भी है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, महादेवी वर्मा जो हैं वो साहित्यकार तो थी लेकिन वो चित्र भी बनाती थी। सुमी ए क्या है। दोस्तों, सुमी ए जो है जापानी स्याही चित्रण है, एक शैली है दोस्तों सुमी ए। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन जो है अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा। इटली का वायुवृद्ध कालकाचार्य कहा जाता है। इटली का वायुवृद्ध कालकाचार्य जो है टीसियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन जो चित्रकार हैं वो पोलाक हैं। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है। द टेम्पेस्ट जो है वो जॉर्जियोन का है दोस्तों। पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, पिशाचिनियों पे जो है गोया ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। नेक्स्ट, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है। शैलखंडों की कुमारी जो है लियोनार्डो दी विंची ने बनाया है। द दो वकील कृति किसकी है। दो वकील कृति जो है दोमियों की है। अंतेटिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं। अंतेटिक संस्कारों की कला जो है वो मिस्र की कला को कहते हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। दोस्तों, जो मॉडर्न आर्ट की जो प्रेरणा ली पिकासो ने वो अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। दोस्तों, मोनालिसा को कौन नहीं जानता है, जो अपने रहस्यमयी स्माइल के लिए जानी जाती है, उसमें दो आयाम होते हैं। वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। दोस्तों,
वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन ये प्रति हैं। इसमें 19 हिंदू चित्रकारों ने सॉरी दोस्तों 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। किसने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनाया था? किसने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनाया था? दोस्तों हुमायूं ने कबूतर के पंख को काट कर चित्र बनवाया था। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य के सत्य से दोहरी दूर रहती है? तो दोस्तों ये प्लेटो ने कहा था कला अनुकरणीय है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है ये कहाँ से है? कांथा टेक्सटाइल जो है का जो लोक रूप है दोस्तों वो बंगाल से है। भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो दोस्तों सभी जानते हैं जो नवतांत्रिक चित्रकार हैं वो G.R. संतोष हैं। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? तो सल्वाडोर डाली जो है दोस्तों अपने चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। सैंड्रो बेटिचेली प्रसिद्ध कलाकार थे? तो दोस्तों वो कहाँ के जो बेटिचेली थे वो कहाँ के थे? वो फ्लोरेंस के थे। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। अगर उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।